हेलो फ्रेंड्स, आपको जो थंबनेल में एरर आ रही थी वही एरर सॉल्व करने वाला हूँ काइनमास्टर को ओपन कर जाओ। दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मैं जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप आपको फॉलो करना है। सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना वो निकलने वाली है दोस्तों, जो आपको मिली थी प्रूफ के साथ देने वाला हूँ दोस्तों। चलो, यहाँ पर मेरा फेस भी आप सब लोग ने देख लिया। अब प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है दोस्तों। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर बने रहे दोस्तों। 69 वाला ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो स्टेप फॉलो करा वो फॉलो करना पड़ेगा। मीडिया पे जाना है दोस्तों और आप आराम से करना है दोस्तों। या काइनमास्टर में से मैं वीडियो ले लेता हूँ दोस्तों, अच्छा वाला सब जो वीडियो हो वो वीडियो ले लेता हूँ दोस्तों। तो जब हम वीडियो लेते हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियो है, मैं ए वाला वीडियो ले लेता हूँ दोस्तों। आपने देखा होगा मैंने कहाँ पर क्लिक किया है। अब देख लो, ये वाला वीडियो है पूरा। यहाँ पर जाना है दोस्तों और यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों और यहाँ पर शेयर के बटन पे जाना है दोस्तों। तो आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करते ये एरर आ रहे दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देने वाला तो आप आखिरी तक जरूर बने रहे। अभी तक आप बने रहे तो ब्लैक का बैक करना है। इस वीडियो को पहले डिलीट करना है दोस्तों, फिर आपको सेटिंग करनी है। क्योंकि पहले आप डिलीट नहीं करोगे तो वो सारी सेटिंग्स काम नहीं लगेगी। सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रोल डाउन करके एडवांस एक्सपेरिमेंटल सेटिंग करना है। कंटिन्यूस एनी वे करना है दोस्तों। और यहाँ पर अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम वाला कलेक्ट एक्सपोर्ट कर लेना है दोस्तों, की जो देख रहा है वो भी। और अनलिमिटेड वीडियो लेयर चाहिए तो आपको अनलिमिटेड वीडियो लेयर करके बैक कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। 1080p बता रहा है आप ही काइनमास्टर में। 3 लाइन पर क्लिक करना है। रन एनालिसिस नाउ पर क्लिक करना है। अब देख सकते हो हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस इन प्रोग्रेस चल रहा है, यानी कि जो मेरा मोबाइल से उनका हार्डवेयर कौन सा है और जो अभी काइनमास्टर का जो सॉफ्टवेयर है ना उनका हार्डवेयर, दोनों को एनालिसिस करेगा। एनालिसिस के बाद में वो पता चलेगा कि कौन सी साइज चाहिए और कौन सी हाइट की वजह से वो हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होने वाला है दोस्तों। उसके बाद में जो प्रॉब्लम था ना वो सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। चलो, अभी तक आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस कंप्लीट करनी, आपको बैक नहीं जाना। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता हमारा हार्डवेयर का परफॉर्मेंस, तब तक आपको यहीं पे रोकना है दोस्तों। अभी तक आपको बता दे कि इस वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं काइनमास्टर का आपका जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों। आप देख सकते हो आपको बहुत सारे जो है ना ये लाइन्स जा रही है, कंप्लीट होना चाहिए तब तक ही आपको रहने देना है दोस्तों। आप देख सकते हो मैं पूरा का पूरा मोबाइल से शूट कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर साथ बने रहे, क्योंकि लास्ट में प्रूफ भी बताने वाला हूँ कि ये काम क्यों ऐसा हो रहा था दोस्तों। आप देख सकते हो अभी तक हार्डवेयर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड प्रोग्रेस हो चुका है 720p हो चुका है, क्योंकि मेरे जो मोबाइल की कैपेसिटी इतनी है दोस्तों। बैक पैक करना है, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और वही ले लेना है दोस्तों। मीडिया पर जाना है और जो मैंने अभी लिया था ना वीडियो वही ले रहा हूँ। आप देख सकते हो वही वीडियो है दोस्तों। अब देख लो, यही वीडियो था और यहाँ पर आप देख सकते हो वही वीडियो से। यहाँ पर जाना है, फिर से आपको क्लिक करना है, शेयर पर जाना है, एक्सपोर्ट में। यहाँ पर आप लो रेट है तो 8 Mbps करना है दोस्तों। आप 8 Mbps कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपकी रिजोल्यूशन ज़्यादा रहेगी, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी रही 8 कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर रहे हो आप देख सकते हो एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस होगी दोस्तों। आपको आखिरी तक देख रहे हो दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। अगर किसी को काइनमास्टर में एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, आपको ये वीडियो का क्या बेनिफिशियल मिल रहा है, आपको ये वीडियो क्यों अच्छा लगा और आपको क्यों बुरा लगा, तो मुझे डिसलाइक करके ज़रूर बता देना दोस्तों। आप सब लोग को बता दे रहा हूँ, मेरी ब्राइटनेस की जो डिस्प्ले टाइम थोड़ा सा कम था, इसके लिए ऐसा हो रहा है दोस्तों। पर आपको यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो मुझे ज़रूर 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 यार दोस्तों लाइक करो, क्योंकि एक लाइक मेरी मोटिवेशंस के लिए
और मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए मदद करता है दोस्तों। इसलिए आपका सपोर्ट होगा, आपकी लाइक होगी, आपकी कमेंट होगी, आप सब लोग को शेयर करते रहोगे तो मैं 100% कहता हूँ कि ऐसे वीडियो बना के दूंगा दोस्तों। और आपके लिए और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काइंड मास्टर के लिए लाया हूँ दोस्तों। मैं ऐसे ही काइंड मास्टर के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो काइंड मास्टर की सीरीज़ के लिए आप बने रहे, क्योंकि मैं काइंड मास्टर की ही सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी काइंड मास्टर ही चलेगा और कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे पास अभी मैं कैमरे से वीडियो नहीं शूट कर पाने वाला दोस्तों। मैं करने वाला हूँ तो स्क्रीन वाला, जिसकी वजह से यार मेरा ऑडियो ही रहेगा, बाकी सब तो काइंड मास्टर का वीडियो चलेगा। पूरी का पूरी काइंड मास्टर आपको बता दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा काइंड मास्टर पर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको सिखाने वाला हूँ मैं जो इफ़ेक्ट ऐड करता हूँ सारे के सारे, इनको कैसे बनाते, ट्रांजिशंस क्या होता है, उनमें हमें कौन सी इफ़ेक्ट डालने चाहिए, कौन सी अच्छी वाली इफ़ेक्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स।